न जाने वो कंदुक कहाँ गिरा होगा, कहाँ ढूंढे, कंदुक का मिलना आवश्यक है। चिंता ना करो मित्रों, मिल जाएगी कंदुक। पुकार रहे हैं, उन्हें संकट से बचाना ही होगा। हे प्रभु, इस जगत को हर संकट से बचाओ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा के लिए पुकार रहे हैं वो, उनके प्राण संकट में हैं। नहीं मित्र, वो ऋषि तो मैं युवराज हूँ सुमेरु का, मैं बचाऊंगा उन्हें। सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बचाओ, हमें किसी सांप ने पकड़ लिया। कोई है इधर? कोई है? कोई है? अच्छा कार्य किया है मैंने, संकट से बचा लिया इन्हें। प्रणाम ऋषिवर। अब आप सुरक्षित हैं। तुमने मेरा स्नान ध्यान भंग कर दिया, मेरी जलांजलि रोक दी। अब 12 वर्षों से जो मेरी तपस्या आज पूर्ण होने वाली थी, तुमने वो भंग कर दी। किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपको। चुप ही रहो तुम। मनोविनोद के लिए तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम्हें वरदान किसी को तंग करने के लिए नहीं मिले हैं, और मेरा तप भंग करने के लिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बल बला बल बल, अब तो हनुमान गया काम से अति बल। दे दो, दे दो श्राप, दे दो। श्राप? यही है सुमेरु। बालक, तुम्हें भुगतना होगा मेरा श्राप। मैं ऋषि लोकेशनाथ आज तुम्हें श्राप देता हूँ। ऋषिवर तो श्राप दे रहे हैं। मित्र, अब हनुमान का क्या होगा? हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। युवराज हनुमान अभी अबोध बालक हैं। हाँ ऋषिवर,
क्षमा कर दीजिए उन्हें, क्षमा कर दीजिए इसे। ये क्या हो रहा है? ऋषिवर मुझे शाप क्यों दे रहे हैं? ऋषिवर, मैंने तो आपको डूबने से। मित्र, क्षमा मांग लो ऋषिवर से। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, कदाचित मुझसे कोई भूल हो गई है। हाँ ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। बलबला बलबल, ये हनुमान तो सांप से बच गया थी बल। मैं पिछले 12 वर्षों से तपस्या कर रहा था। वो पर्वत देख रहे हो? उस पर्वत पर मेरी कुटिया है। मैं 12 वर्षों से प्रतिदिन इस नदी तक आता हूं अपनी तपस्या करने के लिए। आज मेरी तपस्या का अंतिम दिन था, किंतु युवराज, तुमने मुझे नदी से निकाल कर मेरी 12 वर्षों की तपस्या व्यर्थ कर दी। पंचपन कमरा गया, कमरा गया। ये ऋषि और कुछ वानर बालक सुमेरवासी ही लगते हैं। आजा 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 पंचपन, शीघ्र जा, अति शीघ्र। यही है हनुमान जिसके लिए लंकेश ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब हनुमान तू नहीं बचेगा। आजा, आजा। मुझे पुनः 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। उतनी दूर से प्रतिदिन मुझे पुनः यहाँ आना पड़ेगा। तो ये भूल हो गई मुझसे। अब कुछ तो करना होगा ऋषिवर के लिए, अपनी भूल तो सुधारनी होगी। ऋषिवर, आप कहें तो मैं आपकी सुविधा के लिए वो कुटिया वहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ, तब आप यहाँ पर ही तप आदि कर सकते हैं ना? आपको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। ओहो, कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी कुटिया जहाँ है वहीं रहने दो। ऋषिवर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए? तुम चले जाओ यहाँ से, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम चले जाओ बस यहाँ से। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर, परंतु मैं तो आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ओहो, तुम नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। तुम्हारे पिताश्री से बात करनी पड़ेगी। हनुमान मित्र, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब वो पिता महाराज को सब बता देंगे। किंतु मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था। चलो मित्र, घर चलते हैं। अब सारा खेलना तो व्यर्थ ही हो गया है। ये अतिबल कहाँ गया? लगता है ऋषि जी के क्रोध से पहले ही भाग गया। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलो घर चलते हैं। मी, 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 मी,
ट्रांसफर। पंचपंड, मैं अति बल लंकेश रावण का गुप्तचर। तो मुझसे क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारा और मेरा उद्देश्य एक ही है, सुमेरु और हनुमान का नाश। अच्छा। अरे 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 ए बलबल, बलबल नहीं अति बल। हाँ हाँ, कुछ भी हो, अगर तुम लंकेश की गुप्तचर नहीं होते तो अब तक मैं तुम्हें खा जाता। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें हनुमान तक पहुंचने में सहायता। क्या? मुझे किसी से सहायता लेना अच्छा नहीं लगता, समझे तुम? या अपनी तरह से समझाऊं मैं? समझ गया। ये तो बड़ा ही विचित्र प्राणी है, बलबला बलबल। देखो देखो पंचपन, तुम्हें जो भी करना है एक योजना बना के करना चाहिए। अब हम भी तो लंकेश के सेवक हैं, तुम्हारे मन में जो चल रहा है मुझे बताना चाहिए। मेरे मन में क्या है दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ। राजभवन में आ गए होंगे तो माँ और पिताश्री को सब कुछ बता तो नहीं दिया होगा ना? क्या होगा? वहाँ जाकर देखता हूँ। सब ज्ञात है कि तुम कहां से आ रहे हो और तुमने क्या क्या किया वहां पे। बहुत सुख समृद्धि है सुमेरु में। तो सुमेरु वासियों, अब तुम्हारे सुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। मेरा विश तुम्हें मेरा दास बना देगा, फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तो कोई माया भी हस्तो रहे। शुण।
अरे बला बलबल, ये पंच भक्त हाहाकार मचा देगा। अब तुम सब मेरे वश में हो। पिताश्री, मुझसे पुनः भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे लगा आप संकट में हैं। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। महारानी जी, युवराज को विधिवत शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें विधिवत शिक्षा दिलाइए, तभी इन्हें ज्ञात होगा कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, और तभी ये अपने वरदान में प्राप्त शक्तियों का जन कल्याण हेतु उचित प्रयोग कर पाएंगे। चलो हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। ऋषिवर, मैं अपने पुत्र के कृत के लिए आपसे क्षमा। नहीं महाराज, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है अज्ञानता के कारण हुआ है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आपका कल्याण हो। महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, हमारे नगर के समीप बहने वाली नदी एकाएक विषाक्त हो गई है। ये क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? न जाने क्या हुआ महाराज, एकाएक सभी जलचर प्राणी मरने लगे हैं। नदी के आसपास का सारा जीवन शून्य हो गया है। नदी के जल से जितनी भी वनस्पतियां छू रही थी वो सब काली पड़ गई हैं महाराज। तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। जी महाराज। मेरे प्यारे सेवकों, आज से मैं तुम सबका स्वामी हूं, इसलिए मैं तुम्हें जो भी आदेश दूंगा उसे मानना तुम्हारा धर्म होगा। तो जाओ, जाओ महामणिकुंड में जाओ, जो मेरा महाविष्कुंड है, और वहां जाकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जाओ। मैं ऐसे क्यों चल रहा हूं? मैं तो अति बल हूं। अब तुम देखना अति बल, कैसे मैं इन सज्जन मनुष्यों को दुर्जन बनाता हूं, कैसे मैं अच्छे मानवों को इन्हीं की मानवता के विरुद्ध अस्त्र बनाता हूं। अति शीघ्र देखोगे तुम। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, उसके लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। लंकाधिपति रावण का कार्य कैसे पूर्ण होगा, इसकी योजना मैं बना चुका हूं अतिबल।